अच्छा स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। वैसे हम पुराने वीडियो क्लास में डिस्कस कर चुके थे व्हाट इज मैट्रिक्स एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। मैट्रिक्स क्या होता है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स। टोटल एलिमेंट कितने हो सकते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हम किसी नंबर को या फंक्शन को केवल एक ही कॉलम में लिखेंगे। व्हेन नंबर और फंक्शन कैन रिटर्न इन ओनली वन कॉलम, जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा। अगर एक ही कॉलम होगा तो उसमें नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम एक ही होगा। एंड व्हाट इज कॉलम, मींस वर्टिकल, जो वर्टिकल है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एलिमेंट एक है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अगर एक एलिमेंट है तो एक ही रो एक ही कॉलम। फॉर एग्जाम्पल टू और ये वन, इट मीन दिस इज अ मैट्रिक्स विच इज ए विच हैज टू एलिमेंट, जिसके दो एलिमेंट है, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम इज ओनली वन, इसमें कॉलम कितने हैं, वन है, और इसमें रो कितने हैं, दो। तो इसका मतलब ये ऑर्डर क्या हो गया, टू बाई वन। अगर दूसरा मैट्रिक्स लिया हमने, ए दूसरा ले लिया, तो इसमें क्या लिख दिया मैंने, वन टू थ्री फोर, तो इट मीन इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम है, एक ही इसमें कॉलम है, लेकिन रो इसमें एक रो दो रो तीन रो एंड चार रो, चार रो है एक कॉलम है, एक कॉलम है। इट मीन इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें कॉलम कितने होंगे, एक होंगे, विच हैज ओनली वन कॉलम एंड नंबर ऑफ रो मे बी वन टू थ्री फोर डैश 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 एम। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, इट मीन ऑर्डर ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या होगा, एम रो होंगे इंटू में एन की जगह वन हो जाएगा। इट मीन एन इज इक्वल टू वन। इन कॉलम मैट्रिक्स जो एन है, एन की वैल्यू एक हो जाएगी, तो इट इज कॉलम मैट्रिक्स। मीन्स अगर मैंने ऐसे लिखा वन टू थ्री डैश डैश डैश, इट मीन हाउ मेनी, इट मीन हेयर आई एम रिप्रेजेंटिंग एंड राइटिंग एम, तो वट इज द ऑर्डर, एम बाई एन, एम बाई वन, वेयर एज एन इज इक्वल टू वन। इसमें एन की वैल्यू एक होगी और नंबर ऑफ रो मे बी स्टार्ट फ्रॉम वन टू डैश 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 एम, एम मे बी एनी वैल्यू विच हैज ओनली वन कॉलम, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बेटे, अब नाउ वी विल स्टार्ट द रो मैट्रिक्स। सेम वही रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे हम, यहां पर रो लिख देंगे। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ रो मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स वो रो मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसमें क्या होगा, केवल एक रो। अच्छा इन कॉलम मैट्रिक्स, इन कॉलम मैट्रिक्स, इन कॉलम मैट्रिक्स इफ ए इज द मैट्रिक्स एंड ए आई जे, वट इज ए आई जे, ए रिप्रेजेंट द एलिमेंट, आई रो जे कॉलम, इट मीन एम बाई वन, नॉट एम मल्टीप्लाई वन, एम बाई वन, इट मीन ए इज द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ए आई जे के की फॉर्म में, आई जे की फॉर्म में, और जिसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाई वन, एम बाई
1. It is the simple representation of a column matrix. ये क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स का सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें स्मॉल ए जो है क्या है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो क्या है एलिमेंट है, और आई जे रो और एक कॉलम. इट रिप्रेजेंट आई जे रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट एंड इन रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसमें केवल क्या होंगे एक रो होंगे. रो मीन्स only horizontal. The element जिसमें क्या होगा, here is a row. It means here is a row one which has only one row. Row is one and number of element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here is how many element 1, 2, 3. It means this is column. It means C1, C2, C3 and C4. Column चार है, row एक है. इसका मतलब अगर कोई matrix है किसको लिखते हैं 3, 4, 5 and 6, it has only one row. So it means m order of matrix, m by n. Matrix का order क्या होता है? M by n. But in row matrix में number of row जो m है, उसकी value क्या होगी? केवल m. In row matrix में m की value क्या होगी? One होगी. m की वैल्यू क्या होगी 1. तो इट मीन 1 इज द रो और नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3 and 4, 1/4. एंड हियर इज 7, 6, 5, 4, 3, 2. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? पहली बात है मैट्रिक्स कौन सा है? रो मैट्रिक्स है. क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें केवल एक ही रो है. इसमें केवल कितने रो हैं? एक रो है. और कॉलम कितने इसमें? 1 column, 2 column, 3 column, 4 column, 5 column, 6 column. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो एक रो और 6 column. इट मीन वैल्यू ऑफ m, m जो नंबर ऑफ रो है वो क्या होगा? हमेशा 1 होगा. अगर कोई मैट्रिक्स A है, कैपिटल A, और उसका एलिमेंट है aij, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m by n होगा. m by n, वेयर एज m इज इक्वल टू 1, 1 मल्टी 1 by n. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रो मैट्रिक्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स, इट मीन जो i की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी रो मैट्रिक्स में, बिकॉज इट हैज ओनली वन रो. रो मैट्रिक्स में aij, i की वैल्यू हमेशा 1 होगी, j मे बी एनी वैल्यू. बट एम और एन दोनों, एम और एन दोनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर. एन कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. बिलोंग्स टू, आई थिंक यू नो इट, यू हैव डन इन 11th क्लास. दिस इज बिलोंग्स टू, एम और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. जो रो है और जो कॉलम है स्मॉल एम एंड स्मॉल एन हमेशा किसको बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर को. तो पहला क्या था? कॉलम मैट्रिक्स. दूसरा क्या है? रो मैट्रिक्स. तीसरा, दिस इज सेकंड, एंड नाउ थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स. थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स. थर्ड हमारा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स. अच्छा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको नाम से पता लग रहा है. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर जिसमें सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है. जिसमें लेंथ और ब्रेथ मींस एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो यहां पर क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच क्या होगा? एम और एन दोनों आपस में बराबर होंगे. एम और एन दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. इट मीन m इक्वल टू n मींस जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम. जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर होगी, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज रो स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. इट मीन स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स is said to be square matrix
in which number of rows equal to number of कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, मीन m इक्वल टू n. इट मीन स्क्वायर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. अगर मैंने लिख दिया 4, इफ इट इज 4, इट इज अ, इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स? यस, बिकॉज इट इज वन रो एंड वन कॉलम, मीन्स its order is 1 by 1. I, m and n both are same. And then here is two row and two column. It means 1, 2, 3, 4. Here are 2 row and 2 column. 4 element. 1, 2, 3, 4. That means I can write 1, 2, -3, -4. It means what is the order of this matrix? इसमें कितने रो हैं? एक रो, दो रो. देखो कितने रो इसमें, एक रो और ये दो रो. दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो. ये क्या है इसमें, एक रो ये वाली है, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो. फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो में एलिमेंट कौन कौन से हैं? -1 और -3 इज द आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो. पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 एंड -3. और दूसरे रो में कौन सा एलिमेंट है? 2 एंड -4. इट मीन हॉरिजॉन्टल, दिस इज रो, फर्स्ट रो सेकंड रो. हाउ मेनी रोज? 2 रोज. बाय कॉलम, कॉलम मींस वर्टिकल. दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम. फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 1 और 2, सेकंड कॉलम के एलिमेंट 3 और 4. इट मीन इसमें कॉलम कितने हैं? 2 रो एंड 2 कॉलम. 2 रो एंड 2 कॉलम 2 बाय 2. m और n दोनों आपस में इक्वल रहेंगे. एंड नाउ 3 रो 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम. R1 R2 R3 3 रो, C1 C2 C3 3 कॉलम. इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स. हियर इज 1 2 3, दिस इज one row having how many element? 3 element. It means 1, 2, -3. Here is 1, 2, 3. Here is 4, -5, and 2. Here is 1, 2, 3, -3, 2, -6. And this is matrix which has 3 row. First row, this is first row, second row, third row. Kitni row is mein? 3 रो है. देखिए फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, -3. अगर मैं बोलूं इसे, यहां पर क्या आएगा? 1, यहां पर क्या आएगा? -2, यहां पर -3. दिस इज फर्स्ट रो, 1, 2, 3 फर्स्ट रो. सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो 4, -5, 2. ये सेकंड रो के एलिमेंट है, दिस इज सेकंड रो. एंड दिस इज थर्ड रो. थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट है? -3, 2 एंड -6. -3, 2 एंड -3. कितने रो है? 3 रो है. इसमें कितने रो है? 3 रो है. बाय अब क्या चेक करना है? नंबर ऑफ कॉलम. दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 1, 4, -3. सेकंड कॉलम के एलिमेंट 2, -5, 2, 2, -5, 2. सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम -3, 2, -6, -3, 2, -6. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. दिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. दिस फर्स्ट कॉलम, दिस सेकंड कॉलम, दिस थर्ड कॉलम. इट मीन हाउ मेनी कॉलम आर देयर? 3. इट मीन m और n बोथ आर सेम. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. और स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैपिटल A से अगर लिखा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर उसके एलिमेंट क्या है? I और J और ये आ जाएगा तो यहां पर क्या होगा? M by N. N भी क्या होगा? M के इक्वल. ऐसे भी लिख सकते हैं. और इट में भी N नंबर ऑफ रो N by N भी लिख सकते हैं. इट में भी M by M और इट में भी M N by N. क्यों? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम
दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है सेम है। और आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट हमेशा क्या बताएगा पोजिशन ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। लास्ट एलिमेंट पोजिशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है सेम है। जब दोनों सेम हो तो वो क्या कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर। दिस आई जे एम बाई एन एन बाई एन। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट मीन डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मींस डायगोनल मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। व्हाई नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स क्या ले लिया बी ले लिया। इन विच बी, आई डिड नॉट राइट बी, जिसका एलिमेंट क्या है बी आई जे। बी रिप्रेजेंट करेगा किसको एलिमेंट को। आई जे इट रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स एम बाई एम और एन बाई एन, मीन्स रो और कॉलम दोनों सेम होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम रहेंगे। एम बाई एम इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल। अब यहां पर देखिए नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल। अब यहां पर ए मैट्रिक्स लिख दिया सॉरी बी। इफ यू राइट इन मैट्रिक्स बी 1 2 by 2 0 0 and 2, हमेशा डायगोनल जो होगा स्टार्ट फ्रॉम किससे होगा यहां पर होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। व्हाई वी आर टेकिंग डायगोनल दिस वन नॉट दिस वन, क्योंकि डायगोनल दिस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या होगी इसकी ए वन वन, इसकी पोजीशन क्या होगी ए वन टू, इसकी पोजीशन दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज हियर इज रो वन एंड रो टू। दिस ये हम पहले ही बता चुका हूं पुरानी क्लास में। ये क्या मेरे पास रो वन, ये रो टू, इसके बाद ये मेरे पास क्या है सी वन सी टू। तो इस एलिमेंट का नाम क्या है ए वन वन, इस एलिमेंट का नाम क्या है ए वन टू, इस एलिमेंट की नाम क्या है ए रो सेकेंड और कॉलम वन। व्हाट इज द पोजीशन दिस वन ए, इसकी इसका नाम क्या है ए टू टू, दिस इज इसका मतलब लास्ट टू बाई टू, टू बाई ए टू टू मीन्स टू बाई टू, टू बाई टू। दिस लास्ट एलिमेंट जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या है सेम है, तो दिस रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स टू। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल हम किसको काउंट करेंगे ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब रो और कॉलम दोनों क्या होने चाहिए सेम। तो एलिमेंट में भी आई और जे की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। इट मीन आई इक्वल टू जे, तो इसमें आई इक्वल टू जे, आई वन जे वन, और यहां पर आई जे, आई वन जे टू, आई और जे इक्वल नहीं है। यहां आई टू जे वन इक्वल नहीं है, आई टू जे टू इक्वल है। तो इसका मतलब किस कंडीशन में आई और जे इक्वल है, ये वाली कंडीशन में आई और जे इक्वल है, इसीलिए हम डायगोनल ऐसे काउंट करेंगे। डायगोनल क्या हुआ ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ए फोर फोर ए फाइव फाइव, नॉट लाइक दिस। डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में ऑलवेज वी विल टेक वेयर आई इक्वल टू जे। तो यहां पर क्या कर रहे बेटे डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स के आपके कुछ ना कुछ वैल्यू है, वन टू थ्री फोर भी हो सकते हैं, माइनस टू माइनस थ्री। डायगोनल एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट डायगोनल में आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए जीरो। जो एलिमेंट डायगोनल में आ रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन
डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर लिखा A11, A12, A13, इट मीन दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A, सेकंड रो A22, A23, ये आ गया। फिर इसके बाद इसको बोलो बेटे A, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो 3-1, सारे 3 से स्टार्ट होंगे A32, A33, इसका मतलब ये क्या है 3/3, तो डायगोनल कौन से होंगे, ये वाले होंगे, दिस इज द डायगोनल। इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं या जितनी भी एंट्रीज हैं उनकी एंट्रीज जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। ये 3/3 है, तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे बताइए जरा, कैन यू टेल मी। मैंने लिख दिया 1 0 0 0 3 0 0 0 5। तो अगर आप देखोगे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं लिखूं एक मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट क्या है, बी आई जे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एम बाई एम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक कंडीशन होगी, इसका मतलब बी जो है बी आई जे इक्वल टू जीरो होगा, बी आई जे इक्वल टू जीरो। क्यों होगा बी आई जे इक्वल टू जीरो, जब आई नॉट इक्वल टू जे, जब आई जे के बराबर नहीं होगा, और अगर बी आई जे इक्वल टू एनी वैल्यू, स्केलर एनी वैल्यू मींस ये जीरो होगा, बाकी कुछ ना कुछ इनकी क्या होगी, वैल्यू होगी, एनी वैल्यूज when I equal to j, अगर I j के बराबर होगा तो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लाइक दिस, ये क्या है A11 means that will be any value, but there is 1 2 1 2, इस मीन I not equal to j, तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। A13 I not equal to, there is A 1 2, I not equal to, it mean 1 not equal to 2, I not equal to j, I j के बराबर नहीं है तो जीरो हो गया, और 1 3 I j के बराबर नहीं है तो यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। अगेन चेक इट, इसे एक बार और देखिए, अगर मैंने एलिमेंट दे दिया B11 B12, B13, B21, B22, B23, सेकेंड रो B31, B32, B33 और 3/3। यहां पर B11 I equal to J एनी वैल्यू, तो कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो दिस डिपेंड ऑन यू, इट मे बी एनी वैल्यू। तो बोलिए क्या लिखे इसमें, इसमें कुछ भी लिख सकते हो, क्या होगा बोलो, इफ आई एम राइटिंग 2 और यहां पर क्या है 1 2, मींस दिस इज आई, इट मीन 1 I not equal to J, इट मीन 1 not equal to 2, 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल नहीं, तो व्हाट इज दिस I not equal to J, आई जे के बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो। इट मीन 1 3 1 3 B 1 3 I not equal to J, 1 3 के बराबर नहीं, तो क्या जाएगा, जीरो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। इसके बाद B21 बोलो, B21 I2 J 1, 2 not equal to 1, दोनों बराबर नहीं है तो क्या आएगा, जीरो। इसके बाद क्या है B22 I और J इक्वल है, I इक्वल टू J, तो एनी वैल्यू यू कैन पुट एनी वैल्यू लाइक -1। After this B23 I is 2 J is 3, तो क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, I not equal to J, तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो होगा। And similarly 31 B31 I equal to J है, no I not equal to J, I जब J के बराबर नहीं है तो क्या जाएगा, जीरो जाएगा। Here is B32 I 3
J2, क्या दोनों सेम है? नो, दोनों सेम नहीं है। I नॉट इक्वल टू J, तो क्या जाएगा ये? जीरो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट B 33, I और J क्या दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है, तो जीरो नहीं आएगा, जीरो के अलावा कुछ वैल्यू माइनस फाइव। दिस इज द डायगनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? डायगनल मैट्रिक्स एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगनल के एलिमेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन नॉन डायगनल के एलिमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? डायगनल मैट्रिक्स। फर्स्ट पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने? पहला वाला पढ़ा आपने कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक कॉलम होगा जिसका ऑर्डर होगा m by 1। दूसरा पढ़ा आपने रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिसका ऑर्डर होगा 1 by n। तीसरा पढ़ा आपने स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होंगे। चौथा क्या पढ़ा आपने? डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स उस टाइप का मैट्रिक्स है जिसमें डायगनल के एलिमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, डायगनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। इट मीन द एलिमेंट इन डायगनल मैट्रिक्स नॉन डायगनल एलिमेंट विल बी जीरो। नॉन डायगनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? जीरो व्हेन आई इक्वल टू जे। प्लीज चेक इट एंड नोट इट डाउन। आफ्टर दैट अदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगला है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप का डायगनल मैट्रिक्स है। और डायगनल मैट्रिक्स क्या है? एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे। अब आपने डायगनल मैट्रिक्स में बोला कि उसके नॉन डायगनल एलिमेंट मीन डायगनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल के एलिमेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, एनी वैल्यू। अगर उसी डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल के एलिमेंट सेम हो जाएं, तो वो मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स के बदले कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। इट मीन फॉर एग्जांपल देखिए जरा ध्यान से, अगर मैंने लिख दिया 1 0 0 2, इट इज अ डायगनल मैट्रिक्स क्योंकि इसमें डायगनल के एलिमेंट क्या है? 1 और 2। नॉन डायगनल एलिमेंट क्या है? 0। अगर मैंने यहां लिख दिया हेयर इज 3, अब क्या डायगनल के एलिमेंट सेम है? डायगनल के एलिमेंट सेम है, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स उस टाइप का डायगनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगनल के एलिमेंट सेम होंगे। इफ द एलिमेंट ऑफ द डायगनल आर सेम देन इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगनल के एलिमेंट क्या है? सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगेन यहां ले लिया a 0 0 0 a 0 0 0 a, इट मीन द एलिमेंट ऑफ द डायगनल आर सेम, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ इट, डायगनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगनल्स आर इक्वल। अगर एलिमेंट क्या होंगे? डायगनल के इक्वल हो जाएंगे तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे बोलूं ए, क्या लिख दिया मैंने? अगर इसका एलिमेंट क्या है? ए आई जे, ये आ गया। इट मीन 1 1 2 2 3 3 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वो वैल्यू सबकी क्या होगी? सेम होगी। इट मीन दैट विल बी व्हाट आई हैव टू राइट ए आई जे ए आई, इट मीन हेयर इज ए आई जे इज इक्वल टू एनी वैल्यू आई टेक ए, हेयर इज टेकन इज ए और यू कैन टेक के, ए भी ले सकते हैं के भी ले सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं के 0 0 0 के 0 0 0 के, एनी वैल्यू बट ऑल द एलिमेंट डायगनल के सारे एलिमेंट जीरो ओ सेम होंगे, डायगनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे। तो ये क्या हो गया बेटे? ए आई जे, मैं ए भी लिख सकता हूं और के भी लिख सकता हूं। कब? जब आई किसके बराबर होगा? जे के। 1 1
विट मीन आई इक्वल टू जे. दिस कंडीशन एप्लीकेबल कहां कहां होगी, ए 11 पर, ए 22 पर, ए 33. इट मीन आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे. उसमें क्या होगा, सबकी वैल्यू क्या होगी, के होगी. इफ आई इक्वल टू जे एंड दैट द वैल्यू ऑफ आई जे विल बी सेम, दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स. बट यहां पर ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. कब, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, आई जब जे के बराबर नहीं होगा. तो ये कंडीशन कहां पर होगी, ये कंडीशन कहां होगी, जब ए वन वन हो गया, ए वन टू पर, फिर ए टू वन, नॉट आर आई जे, आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, आई जे के बराबर नहीं है. तो सिमिलरली इसमें क्या होगा, ए क्या होगा टू वन और ए टू थ्री, ए टू ए वन टू सॉरी ए वन टू ए वन थ्री, फिर अगेन ए टू वन ए टू थ्री, फिर अगेन ए थ्री वन ए थ्री टू. एक दो तीन चार पांच छह, छह में जब जीरो होंगे और तीन में क्या होगा, के कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. देखिए ध्यान से, ए वन वन हियर इज ए वन वन आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, इट इज इक्वल टू के. ए वन टू वन टू ए वन टू आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, इट इज जीरो. हियर इज ए वन थ्री ए एक तीन मीन्स आई जे के बराबर नहीं है, तो क्या आएगा, जीरो होगा. ये क्या है, ए टू वन आई जे के बराबर नहीं है, जीरो आएगा. आई जे के बराबर है ए टू टू के, फिर ए टू थ्री आई जे के बराबर नहीं है, आई जे के बराबर टू थ्री जीरो. ए थ्री वन आई जे के बराबर नहीं है, तो इट इज जीरो. ए थ्री टू आई जे के बराबर नहीं है, जीरो. थ्री थ्री आई और जे दोनों क्या है, सेम, तो किसकी वैल्यू, के की वैल्यू. इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स. और यही मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा. यही मैट्रिक्स अगर अगर बाय चांस ये जो तीन तीन है इनके बदले क्या लिख दिया, प्लीज चेक द डिफरेंस, जरा डिफरेंस ध्यान से देखना क्या है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, इज अ स्केलर मैट्रिक्स, इज अ इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स हूज एलिमेंट ऑफ डायगनल, हूज डायगनल एलिमेंट आर जीरो, सॉरी आई इज वन. जिसके डायगनल के एलिमेंट क्या होंगे, एक होंगे. जिसके डायगनल के एलिमेंट क्या होंगे, एक होंगे. जैसे आपने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टाइप का स्केलर मैट्रिक्स है. स्केलर मैट्रिक्स में डायगनल के एलिमेंट सेम होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगनल के एलिमेंट एक ही होगा, वन एंड ओनली वन. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहां पर कहता हूं आपने क्या लिखा था, ये जैसे वन, दिस इज वन बाय वन, इट इज ऑलरेडी वन बाय वन, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. फॉर टू बाय टू, वन जीरो जीरो वन, दिस इज डायगनल एलिमेंट, डायगनल के एलिमेंट एक होगा, डायगनल का एलिमेंट क्या होगा, एक होगा. इसे हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और एक किस ऑर्डर का है, टू बाय टू. इसको हम कई बार लिखते हैं वन जीरो जीरो वन, इसे हम कई बार क्या बोलते हैं, आई आई या आई टू. आई मीन आइडेंटिटी, टू मीन्स ऑर्डर, टू मीन्स टू बाय टू. एंड सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया वन जीरो जीरो, क्या लिख दिया, वन जीरो जीरो, फिर क्या लिख दिया, जीरो वन जीरो 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 वन, यहां डायगनल के एलिमेंट क्या है, वन है. इज द टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स में वन के अलावा कोई भी वैल्यू, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. लेकिन
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू हमेशा 1 होगी और नॉन डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। नॉन डायगोनल एलिमेंट विल 0 बट द वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1। डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू हमेशा 1 होगी और नॉन डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो ये क्या है बेटे 100, इट मीन कंडीशन आ गई मेरे पास। अगर मान लो कोई एलिमेंट मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ए आई जे लिख दिया, और ये क्या है एम बाई एम, कौन सा है 3/3, 4/4। इसका मतलब आई अगर जे के बराबर है, आई जे मीन्स 1/1, 2/2, 3/3, i=j, 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 आई और जे इक्वल टू, ये वैल्यू क्या होगा हमेशा 1 होगी। कब, जब i इज इक्वल टू जे, कंडीशन इज सेम a11, a22, a33, a11 पर a22 पर a33 पर हमेशा कौन सा नंबर होगा 1 होगा, क्योंकि i इक्वल टू किसके बराबर है j, और 1 होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल aij इक्वल टू 0 कब, जब i 0 के बराबर, i नॉट इक्वल टू j, जब i j के बराबर नहीं होगा तो वो कंडीशन कौन सी, ये वाली। इसको हम जनरली लिखते क्या है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दिस विल बी i3 मीन 3/3 और इट इज ए स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एंड द लास्ट पिक इज लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, एंड आई थिंक जीरो मैट्रिक्स सिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच द ऑल द एलिमेंट ऑल द एंट्रीज इन ए गिवन मैट्रिक्स विल बी जीरो, ये भी जीरो होगा हमारे पास, ये क्या होगा जीरो, इट मीन 0 0 0 ऑल एंट्रीज विल बी जीरो, दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स, इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। ऑल एंट्रीज इन ए गिवन मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट इन ए गिवन मैट्रिक्स इफ इक्वल टू जीरो देन इट इज अ जीरो मैट्रिक्स, इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। दीज आर द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा रो मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ डायगोनल, फिफ्थ स्केलर, सिक्स्थ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आफ्टर दैट जीरो मैट्रिक्स, एंड नेक्स्ट वन विल बी, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब हम करेंगे, एक टॉपिक रह गया, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करेंगे और आप प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट, एंड वेरी सिंपल चैप्टर, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। एंड नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज विच आई हैव टू एक्सप्लेन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे को दो टाइप के मैट्रिक्स दे रखे हो, एक मैट्रिक्स दे रखा है हमारे को ए जो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, इट इज नॉट कंपल्सरी, ये जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं हमारे को, एक ए, ए दे रखा है 3x2 4y3 एंड z, यहां पर लिख दिया मैंने -3, और b दे रखा हमारे को a2 5 a2 x and y sorry 3 -3 and 2, यहां लिख दिया 5। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे अगर वो दोनों एक ही ऑर्डर के होंगे। टू मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इट मीन अगर मैंने ले लिया एक मैट्रिक, कौन सा है 3 रो, कितने इसमें 2 रो, 2 रो, और कॉलम कितने देखो 1 रो 2 रो एंड कॉलम इज 3 2/3, और बी बोलो बेटे 2 रो हैं और 3 कॉलम है 2/3। इसका मतलब ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है। जब
दो मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो तो हम ये लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। इट मीन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर ए मैट्रिक्स जो है ऑफ ऑर्डर किसका है, एम बाई एन का है, और बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, पी बाई क्यू का है। तो इट इज पॉसिबल, इट मीन एन किसके बराबर है, एन इक्वल टू पी और एन इक्वल टू क्यू। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया ए ऑफ ऑर्डर किस ऑर्डर का है, टू बाई एम, और बी ऑफ ऑर्डर पी बाई टू, फाइंड पी एंड एम, फाइंड पी एंड एम। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट, इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो पी की वैल्यू और एम की वैल्यू फाइंड करो। अगर ए इक्वल टू बी है तो इट मीन इसका ऑर्डर क्या है, टू बाई एम, इसका ऑर्डर क्या है, पी बाई टू। तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसका रो सेम होगा, इसका कॉलम सेम होगा, तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर सेम होंगे, इसका रो इसके रो के बराबर, इसका कॉलम इसके कॉलम के बराबर। इसका मतलब ए एम बाई एन इक्वल टू बी पी बाई क्यू, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, सेम। तो एम किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा, एन किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, एम इक्वल टू पी, एन इक्वल टू क्यू। तो अगर मैं ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ए ऑफ ऑर्डर दिस वन एंड बी ऑफ ऑर्डर पी बाई टू, अगर ए बराबर है बी के तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड एम, तो दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो ए इक्वल टू पी, तो टू किसके बराबर हो गया, पी के बराबर, तो कंपेयरिंग करके पी किसके बराबर होगा, दो के बराबर, और एम किसके बराबर होगा, दो के बराबर। तो इसमें पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। कब, इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम ऑर्डर होंगे तो क्या होंगे, दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मीनिंग क्या है यहां पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू ऑफ एलिमेंट ए आई जे एम बाई एन, बी एलिमेंट ले लिया बी आई जे पी बाई क्यू, तो यू ऑलरेडी नो ऑर्डर इज सेम, तो एम पी के बराबर, एन क्यू के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर पी बाई क्यू। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए, अगर ए इक्वल टू बी है, इफ ए इक्वल टू बी, तो ए आई जे पी एम बाई एन इक्वल टू बी आई जे पी बाई क्यू, इट मीन एम इक्वल टू पी, एन इक्वल टू क्यू। इट इज क्लियर, एंड नाउ हेयर इज, इट मीन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी corresponding element of matrix A is equal to the corresponding element of B. How? If I take A 1 1 is always equal to B 1 1. Corresponding I j, if I take 1 1 that will be equal to B 1 1. If I take A 3 1, तो क्या होगा B 3 1. अगर मान लो दो matrix आपस में equal हैं, A equal to B है, वो कब हो, इसका मतलब उनके ऑर्डर हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब एम बाई एन पी बाई क्यू, इसका एम किसके बराबर होगा, क्यू के, पी के बराबर होगा, और एन किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। कब, जब ए किसके बराबर है, बी के बराबर। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, और अगर ऑर्डर सेम है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में सेम होंगे। ए अगर बी के बराबर है तो m बराबर है p के, n बराबर है q के, और इसका जो एलिमेंट की पोजीशन होगी, अगर मैंने यहां पर a11 लिया तो a11 हमेशा किसके बराबर होगा, b11 के बराबर होगा, और a31 किसके बराबर होगा, b31 के बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की पोजीशन a की, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की पोजीशन b की, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब जरा इसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखिए, अगर a बराबर है b के, यहां पर देखिए ये दो बाई दो है, तो इफ फाइंड द अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू
व्हेन कंडीशन देखिए ए इक्वल टू बी, हमारे को देखिए ए बी के बराबर है, तो व्हाट इज ए, ए क्या है मेरे पास 3yx-3 2z इक्वल टू क्या होगा ए 2x, ये x नहीं इसको लिखो पी, पी यहां लिख दिया 3-3 and 5 एंड नाउ ये मेरे पास क्या है, दिस इज ए 1 1, दिस इज फर्स्ट रो ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 1 1, दिस इज 1 2, दिस इज 1 3, दिस इज 2 1, दिस इज 2 2, दिस इज 2 3, ऐसे क्या होगा ये ए 1 1 ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, और ये क्या आएगा ए बोलो 2 1 ए 2 2 ए 2 3, इसका मतलब ए 1 1 किसके बराबर होगा ए 1 1 के, तो इसके मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सीधा देखेंगे 3 इक्वल टू ए पहला पहले की पोजीशन के बराबर, तो कंपेयरिंग एक लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग, इसका नाम क्या है ए 1 1 ए 1 1, तो ए 3 इक्वल टू ए ये ए की वैल्यू आ गई, एक्स किसके बराबर है एक्स 1 2 ए 1 2 यहां ए 1 2 2, तो एक्स इक्वल टू 2 बाय कंपेयरिंग, हियर इज 2 इक्वल टू पी पी इक्वल टू 2 बाय कंपेयरिंग, एंड नाउ वाई इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 3 एंड 3 इक्वल टू सेम जेड इक्वल टू 5, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए 1 1, दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, चेक इट एंड देन एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट 2.1 सॉरी एक्सरसाइज, दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1 एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट एंड प्लीज बी केयरफुल बी अटेंटिव फॉर द एक्सरसाइज।